Hi guys, this is me Aisha Joshi and you are watching me on the channel of Ativai. So here it is 31st of August 2020 and we are going to take today's Hindu news and analysis. So the first news is India can become a global toy hub, said Modi. PM urges entrepreneurs to tap into 7 lakh crore rupees industry. Okay. You will be surprised to know that the global toy industry is of more than 7 lakh crore rupees. Such a big business, but India shares a very little of this. Now just spare a thought for a nation which has so much of heritage, tradition, variety, young population. Will it feel good to have such little शेयर इन द टॉय मार्केट? दिस इज सेड बाय मोदी. बेसिकली हुआ यह है कि मोदी जी का ये कहना है कि जहाँ पर ग्लोबल लेवल पर अगर बात करें तो 7 लाख करोड़ का जो है ऑलरेडी मार्केट है सालाना टॉयज़ फील्ड के अंदर, है ना. और जहाँ पर इंडिया जैसी कंट्री जो ऑलरेडी ट्रेडिशन, हेरिटेज, वेराइटी, यंग पॉपुलेशन इन सबसे भरी हुई है, उस सिचुएशन में भी इंडिया जो है इस पर्टिकुलर मार्केट, टॉय मार्केट के अंदर अपना शेयर बहुत ही कम जो है शेयर कर पा रहा है, अपने आप को बहुत कम लेवल पे जो है इसके अंदर शो कर पा रहा है, अपना डेटा बहुत कम है टॉय मार्केट में. ओके, तो इसके लिए हमें इस पे वर्क करना चाहिए. और अगर हम वर्क करते हैं अपने ट्रेडिशन, कल्चर, वैरायटी, हेरिटेज के बेसिस पे, अगर टॉय मार्केट में वर्क करते हैं तो डेफिनेटली हम भी ग्लोबल मार्केट में टॉप कर सकते हैं. ठीक है, तो ये जो है मोदी जी का कहना है. इसके अलावा उन्होंने टीम अप फॉर टॉयज़ का जो है ना टैगलाइन दी है हमें. ही एसर्टेड दैट द कंट्री हैज़ द पोटेंशियल टू बी अ हब फॉर द इंडस्ट्री. इंडस्ट्री लेवल, टॉय इंडस्ट्री लेवल की अगर बात की जाए, जो कंट्री जो है इंडिया जो है वो अपने आप में हब बन सकती है इस चीज़ का. इन दिस मंथली मन की बात ही एड्रेस्ड अबाउट दिस एंड उसके अलावा बहुत सारी चीज़ों पर डिस्कस किया. और ये जो टॉय हब को से रिलेटेड जो इशू यहाँ पे दिया गया है वो बेसिकली आत्मनिर्भर भारत के तहत दिया गया है, उसकी थीम के तहत दिया गया है. ठीक है, एंड वी कैन मेक गेम्स, वी कैन इनोवेट इन दिस एरिया. इनोवेटिवली हम कुछ कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम टेक्नोलॉजी इनोवेशन और टॉय फील्ड में कर सकते हैं. ठीक है, इट इज़ ऑल अबाउट इट. द नेक्स्ट इज पुलिस ऑफिसर 3 militants किल्ड इन जम्मू एंड कश्मीर एनकाउंटर. सोल्जर किल्ड इन पार्क फायरिंग अलोंग LOC. 3 लश्कर-ए-तैयबा मिलिटेंट्स जो है और एक पुलिस ऑफिसर मारे गए श्रीनगर में. लेट नाइट जो है ऑपरेशन चला जिसके सिक्योरिटी फोर्सेज के थ्रू, जिसके तहत जो है लश्कर-ए-तैयबा के 3 militants और एक पुलिस ऑफिसर की मृत्यु हो गई है. द 3 bike-borne militants मेड बिट टू स्नैच वेपन्स एट अ जॉइंट चेक पॉइंट टू द CRPF. CRPF का जो जॉइंट चेक पॉइंट है और जो पंथा चौक का जो पुलिस स्टेशन है वहाँ पे वेपन स्नैच करने के लिए 3 bike-borne militants जो है वो वहाँ पे कूच की उन्होंने, और उसी के तहत जो है 3 militants के साथ और एक पुलिस ऑफिसर की हत्या हो गई. द मिलिटेंट्स टुक शेल्टर इन अ नियर बाय हाउस एंड वर किल्ड लेटर. पहले तो वो पास ही के किसी घर में छुपे हुए थे और बाद में मारे गए. जनरल डायरेक्टर ऑफ पुलिस दिलबाग सेड, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस जो हैं दिलबाग सिंह, उन्होंने इस पूरी घटनाक्रम के बारे में हमें बताया. 1 assistant sub-inspector ऑफ द पुलिस स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप बाबूराम वॉज इंजर्ड इन फायरिंग एंड लेटर सकम्ब्ड टू द इंजरीज. ओके, सो इट इज़ ऑल अबाउट इट. जम्मू कश्मीर में जो सिचुएशन है वो काफ़ी गरमाई हुई नजर आ रही है और लश्कर ए तैयबा, जैश ए मोहम्मदीन से रिलेटेड जो टेररिस्ट अटैक्स हैं उनसे, उनकी तो बात ही क्या किया जाए. काफ़ी दिनों से हम इन्हें डिस्कस कर रहे हैं और काफ़ी न्यूज़ में भी है ये. ठीक है, और यहीं दूसरी तरफ इंडिया के अंदर उड़ीसा में बाढ़ के हालात हैं, जहाँ पे इवन बाढ़ आ चुकी है जिसमें 17 लोग मारे गए हैं और 14 लाख लोग प्रभावित हुए हैं. करीब 2.65 लाख लोग जो हैं मरून हो चुके हैं गांव 340 villages के. वहीं पे 1.68 lakh hectare की जो फसल है वो नष्ट हो चुकी है. 14 लाख लोग करीब करीब इस चीज़ से इफ़ेक्ट हुए हैं. रिवर सिस्टम जो है, 5 रिवर जो है उड़ीसा से बहती है, 5 नदियाँ, उनके सिस्टम में कुछ
जो है गड़बड़ी के कारण या उनमें ओवरफ्लो होने के कारण, बारिश के कारण जो है फ्लड कंडीशंस और ज़्यादा बढ़ गई हैं और वहाँ पे उड़ीसा में लोगों को बाढ़ का सामना करना पड़ा है, जिसके तहत 17 लोग अपनी जानें भी गंवा चुके हैं। ठीक है, सो ऑल दीज थिंग्स आर इंक्लूडेड इन दिस पर्टिकुलर आर्टिकल, कीपिंग इन द माइंड द वल्नरेबिलिटी ऑफ लो लाइंग एरियाज इन जगत सिंहपुर, पुरी एंड केंद्रपुर केंद्रपारा डिस्ट्रिक्ट्स एक्सपीरियंसेस्ड इंजीनियरिंग एंड नाइट पेट्रोलिंग टीम्स हैव बीन डिप्लॉयड along major river embankment. So somewhere we can say that forces are also giving their best to create or to help the or to rescue the people from that particular area. And Odisha is again, you know, just the things are the area related to Odisha, West Bengal and all these things. I had already been suffered with cyclone recently. Okay, and then now this is a new tragedy for them. So somewhere everything is going, you know, I can't say anything because somewhere we all are suffering all these things what are actually disastrous. COVID-19, if some areas of India, I can say, are hitting by cyclones and different part of India are going to hit by, you know, floods and all the heavy rainfall. The situations are out of control. The government is still trying to fight all the situations. Even every individual is trying to fight the situation. So somewhere the situations are out of control and we just can fight and fight and fight. We can't say anything regarding all these things. Okay. So it is all about Odisha's flood condition. And the next news is Daniel of GST dues will crush federalism, says West Bengal finance minister. Planned strategy to destroy economic health of the state. West Bengal finance minister Amit Mitra on Sunday took a dig at Union finance minister Nirmala Sitharaman's act of God remark and said that asking states to borrow for the shortfall of the GST revenue was a planned strategy to destroy the economic health of the स्टेट्स एंड क्रश फेडरलिज्म, फेडरलिज्म को क्रश करना, स्टेट्स की इकोनॉमिक हेल्थ को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की जा रही है जीएसटी रेवेन्यू के तहत एक्ट ऑफ गॉड का स्टेटमेंट दे करके। ये कहना है वेस्ट बंगाल के फिनेंस मिनिस्टर अमित मित्रा की, जिन्होंने फिनेंस मिनिस्टर का रिसेंटली यूनियन फिनेंस मिनिस्टर का जो स्टेटमेंट आया एक्ट ऑफ गॉड का रिमार्क आया है उससे रिलेटेड, और फिर उसके बाद यूनियन फिनेंस मिनिस्टर का ये कहना कि स्टेट्स को बोरो करना होगा मनी को अदर एरिया से, आरबीआई से और गवर्नमेंट ऑफिशियल अकाउंट से। तो इस कंडीशन के अंदर कहीं ना कहीं स्टेट्स को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की जा रही है और स्टेट्स को जो डिस्ट्रॉय करते हुए, उनके इकोनॉमिक हेल्थ को डिस्ट्रॉय करते हुए फेडरलिज्म को क्रश किया जा रहा है। कैच 22 सिचुएशन, इन द नेम ऑफ एक्ट ऑफ गॉड अ ह्यूज डेट इज बीइंग थ्रस्ट ऑन द स्टेट्स विच विल डिस्ट्रॉय देयर फाइनेंशियल हेल्थ, क्रश फेडरलिज्म एंड देन ब्रीथ पावर ऑफ सेंट्रलिज्म विल कम टू बी प्ले। बहुत ही प्लान्ड तरीके से स्टेटमेंट दिया है, आई मीन वेस्ट बंगाल फाइनेंस मिनिस्टर ने बताया कि काफ़ी प्लान्ड तरीके से स्टेटमेंट एक्ट ऑफ गॉड का दिया गया है और ये कहा गया है कि स्टेट्स को जो है मनी बोरो करनी होगी सेंट्रल से। तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि यहाँ पे यूनियन फाइनेंस मिनिस्ट्री द्वारा ये स्टेटमेंट देना, इट मीन्स कि स्टेट्स को मनी बोरो करना है आरबीआई से, उसके बाद में जब वो बुरी तरीके से इकोनॉमिकली इल हो जाए, उनकी इकोनॉमिकल हेल्थ जो है वो बिल्कुल इल हो जाए, डिस्ट्रॉय हो जाए स्टेट्स की, उस कंडीशन में वो स्टेट्स जो हैं आरबीआई या जब उनसे कर्जदार हो जाए बहुत ज़्यादा और पैसे चुकाने की कंडीशन में ना हो, तब सेंट्रल पावर उनके ऊपर, उन स्टेट्स के ऊपर दिखाई दे, फेडरलिज्म क्रश हो जाएगा, इकोनॉमिक कंडीशन पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाएगी, तब फाइनली सेंट्रल पावर्स जो है उन पर इम्पोज की जा सकती है। सो इट इज़ ऑल अबाउट, इट इज़ एक्चुअली दीज वर्ड्स आर फ्रॉम द फिनेंस मिनिस्टर ऑफ वेस्ट बंगाल, दैट इज़ अमित मिश्रा, सॉरी मित्रा, अमित मित्रा, एंड ही सेड दैट ऑल दीज थिंग्स आर प्लान्ड एंड दे आर गोइंग टू क्रश द फेडरलिज्म ऑफ स्टेट्स। ओके, the next news is COVID-19 cases rising due to aggressive testing, spread of virus has also increased owing to easing of restrictions, says health minister
महाराष्ट्र हेल्थ मिनिस्टर सेड राजेश टोपे सेड ऑन संडे दैट द स्पाइक इन COVID-19 केसेस इन द स्टेट ओवर द लास्ट वन मंथ वॉज ड्यू टू द गवर्नमेंट्स एग्रेसिव अप्रोच ऑफ ट्रैकिंग ट्रेसिंग टेस्टिंग एंड ट्रीटमेंट्स. मिस्टर टोपे सेड दैट स्टेट गवर्नमेंट इज फोकसिंग ऑन preparedness and creating awareness of this disease. We are aggressively focusing on 4 T's, that is tracking, testing, tracing and treatment. There are 400 labs for COVID-19 test and more than 50,000 tests are done daily in the states. So the aggressive testing is the basic issue for the rising data of COVID-19. This is said by the Maharashtra Health Minister Rajesh Tope. And somewhere I also felt so that this is the issue why we are going upwards. Okay. The next is, despite the messaging, it is still advantage China. India needs to show foreign investors in it has the benefits of China with fewer risk as a relocation destination. Many US companies as well as the analysts who advise them are cognizant of India's goal of becoming an alternative supply source and investment destination of China. But based on conversation I have had with a number of different organizations and companies here in Washington, it is fair to say that expectations are tempered. Okay, first, despite media report and strong messaging from Washington, fewer US companies have predicted might quiet the People's Republic of China, that is PRC. Okay, so here somewhere we can say that despite the messaging, it is still advantages of China and India needs to show foreign investors at all. It has the benefit of China with fewer risk as a relocation of destination. Okay. So it is all about it, the why China scores and focus on states, work on framework, everything has been discussed here. What are the bad points and good points of it? Everything are here. You should go for it. A policy framework that is transparent, predictable and provides increased consultation with existing and potential foreign company stakeholders before introducing new India economic policy will play a crucial role in determining India's foreign investment outlook. So इस पूरे आर्टिकल में बेसिकली इंडिया के फॉरेन जो इन्वेस्टमेंट है उस पॉलिसी को उसके आउटपुट को यहाँ डिस्कस किया गया है, उससे होने वाले प्रभावों को डिस्कस किया गया है, चाइना से होने वाले हमारे जो फॉरेन हम कह सकते हैं कि एक्सचेंज है या ट्रेडिंग है या ट्रांसपोर्टेशन का जो सारा चीज़ें चल रही है उससे रिलेटेड यहाँ डिस्कस किया गया है कि फिलहाल हाल ही में गिरावट जो आई है हमारी उससे काफ़ी प्रभावित हुए हैं हम लोग. इसके अलावा इंडिया को फॉरेन इन्वेस्टमेंट पर फोकस करने की ज़रूरत है, तो उसके लिए क्या स्ट्रैटेजीज होनी चाहिए, क्या सारी चीज़ें होनी चाहिए, नेबरिंग कंट्रीज के साथ क्या रिलेशन होने चाहिए और अदर कंट्रीज़ के साथ भी फॉरेन इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड क्या जो है स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, और ये सारी चीज़ें जो है इस पर्टिकुलर आर्टिकल में डिस्कस की गई हैं. ठीक है, द नेक्स्ट इज इन टॉय सिटी ऑफ चन्नापटना आर्टिशंस अवेट गवर्नमेंट असिस्टेंट. आर्टिशंस जो है मतलब आर्टिस्ट जो हैं वो वेट कर रहे हैं कि गवर्नमेंट उन्हें अप्रूवल दे, गवर्नमेंट उन्हें असिस्टेंस दे, तो फिर वो जो है आगे अपना वर्क स्टार्ट कर सकते हैं. जैसा कि मैंने आपको अभी बताया कि पीएम नरेंद्र मोदी ने मन की बात में रिसेंटली ये डिस्कस किया है कि आत्मनिर्भर भारत के तहत एक नया सेगमेंट स्टार्ट किया जा सकता है जिसे फोकस करने पर इंडिया जो है ग्लोबली टॉप कर सकता है टॉय मार्केट के तहत. तो इन द सिटी ऑफ चन्नापटना, चन्नापटना अपने आप में बहुत अच्छी सिटी है जहाँ पर टॉय मैन्युफैक्चरिंग होता है और करीब 200 सालों से ये चीज़ चली आ रही है और बहुत ही आर्टिस्टिक वे में यहाँ पे टॉयज़ को क्रिएट किया जाता है. इन टॉयज़ को ग्लोबल मार्केट में अगर उतारा जाए तो हम ग्लोबली टॉप कर सकते हैं. तो चन्नापटना जो है जो कि सिटी है वो अपने आप में वेट कर रही है कि कब हमें जो है गवर्नमेंट का असिस्टेंस मिले और हम लोग इस चीज़ को प्रोसीड कर सकें. ठीक है,
सो इट इज़ ऑल अबाउट इट. द नेक्स्ट इज अलोन एट द टॉप. द गैप ऑफ इंडियाज हेल्थ केयर एक्सपोज बाय द पेंडेमिक मस्ट बी क्लोज क्विकली. जो गैप हेल्थ केयर के चलते जो है पेंडेमिक के चलते हेल्थ केयर के बीच में जो एक्सपोज हुआ नज़र आ रहा है उसे जो है क्लोज करने की ज़रूरत है जल्दी से जल्दी. For most of this month, India has consistently been contributing the most number of daily confirmed cases. Daily confirmed cases maximum level पे India में आ रहे हैं और इस week जो है 78,508 infected cases आए हैं even single day में, जो अपने आप में एक record spike है world level पे, है ना. That has pushed the infection tally of to over 3.6 million. और ये जो data है 78,000 का, वो हमारे जो overall data है उसको 3.6 million तक लेकर जा चुका है. इन मार्च वेयर द वैन द पेंडेमिक वॉज येट टू टेक होल्ड इन द कंट्री देर वॉज अ बिलीव दैट इट कुड बी वैनक्विश्ड. ओके वैनक्विश्ड एंड इन दोज डेज प्रोजेक्शंस बेस्ड ऑन एपिडेमोलॉजी epidemiological modeling which indicated that millions would be affected were met with denial by the government as well as disbelief of by many, and especially because of how it had pulverized medical health system in Europe and the US. Okay, so the dominant note in government's narrative on how it has handled the पेंडेमिक इन दैट ही इट हैज़ कैप्ट इंडियाज डेथ रेट लो. देखिए डेथ रेट ज़रूर लो है हमारी अदर कंट्रीज़ के मुकाबले, लेकिन फिर भी हमारे यहाँ पे कंट्री में जो डेली केसेस हैं वो कंटिन्यूसली बढ़ते चले जा रहे हैं. तो हमें स्ट्रिक्टनेस की रिक्वायरमेंट है जिससे कि इन केसेस को कंट्रोल किया जा सके, और उसी के साथ हमें उन स्ट्रेटजीज़ को फॉलो करने की ज़रूरत है जो यूरोपियन कंट्रीज़ US स्पेन इन कंट्रीज़ ने अपने आप में जो है जो स्टेप्स उठाए थे, जो स्ट्रेटजीज फॉलो की थी खुद को कंट्रोल करने के लिए, COVID-19 के केसेस को कंट्रोल करने के लिए, उन स्ट्रेटजीज को उठाते हुए, उन स्ट्रेटजीज को एनालाइज करते हुए हमें अपने स्तर पे स्ट्रेटजी या एनालिसिस बेसिस पर जो डेटा है उसे क्रिएट करने की ज़रूरत है और उसी लेवल पे वर्क करने की ज़रूरत है. बिकॉज जिस तरीके से केसेस बढ़ रहे हैं तो हम अपने आप में अकेले एकमात्र इंडिया ऐसी कंट्री बन चुकी है जो टॉप कर रही है. बाकी सारी कंट्रीज़ कंट्रोल कर चुकी है, लेकिन इंडिया अभी टॉप करती चली जा रही है, कंटिन्यूसली करती चली जा रही है. हालांकि डेथ रेट्स आर स्टिल लो, बट स्टिल वी कांट सिट बाय डूइंग ऑल दीज थिंग्स एंड वी कांट be you know fearless by doing all these things. So we have to work on it, we have to go through all the situation, we have to go through the strategies of other countries, we have to follow them, and we have to calculate what we have to do and we should do accordingly. Okay, so this article is based on all these things. There must be a deep reckoning to fix gaps in the manufacturing and product delivery chain. उसी के साथ में हमें कैसे manufacturing industry इंडस्ट्रियल जो सिस्टम चल रहा है, जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट चल रहे हैं या अदर जो इकोनॉमिकल एक्टिविटीज़ हैं उनको बैलेंस करते हुए, क्योंकि वो भी बहुत बुरी कंडीशन में, इकोनॉमी इज स्टिल इन वेरी बैड कंडीशन, तो उसे कंट्रोल करते हुए उन्हें ट्रैक पे लाते हुए हम कैसे अपनी इकोनॉमी और हेल्थ कंडीशंस को बैलेंस कर सकते हैं, इनके बीच को कैसे गैप फिलिंग कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें जो है इस आर्टिकल में दी गई हैं. ठीक है, द नेक्स्ट इज़ फॉर द वीकेस्ट. Revisiting bar on states giving preference to the most marginalized among Supreme Courts is welcome. The Supreme Court has given cogent reasons for a reconsideration of the verdict given by a 5-judge bench in 2004 that state legislatures has no power to create subclassification among the list of scheduled caste notified by the president. देखिए प्रेसिडेंट द्वारा नोटिफाइड जो चीज़ है उसके अंदर ये डिस्कस किया गया था कि 2004 में स्टेट लेजिस्लेचर जो है 5 जज की बेंच में डिसाइड किया गया था कि स्टेट लेजिस्लेचर्स के पास में कोई पावर नहीं है कि वो सब क्लासिफिकेशन के बेसिस पर लिस्ट रेडी कर सके शेड्यूल कास्ट नोटिफाइड के. ओके, शेड्यूल कास्ट नोटिफाइड की जो लिस्ट है उसे प्रिपेयर कर सके. सो उसी पर बेस्ड ये आर्टिकल है कि सुप्रीम कोर्ट ने इसके ऊपर जो है रीज़न की डिमांड की है एंड या ओके रिकंसिडरेशन की बात कही गई है इस पर्टिकुलर सिचुएशन में, है ना. तो अभी काफ़ी मुद्दा चल रहा है कि सब क्लासिफिकेशन किया जाएगा SC ST का, और भी ज़्यादा SC ST में भी ऐसी कैटेगरीज है जो अभी भी बहुत पिछड़ी हुई है, उन्हें और भी प्रिविलेज देते हुए उन्हें और भी आगे लाने की कोशिश करेंगे जिससे कि
जो ये गैप है SC ST के बीच और SC ST और जो और भी ज़्यादा उनसे भी ज़्यादा पिछली भी जनजातियाँ जो हैं उनके बीच का जो गैप है उसे ओवरकम करने उसे फिल करने की ज़रूरत है। और जो बहुत ही SC ST कैटेगरी में भी बहुत ही ज़्यादा डाउन लेवल के जो लोग हैं उन्हें ऊपर आने की ज़रूरत है। सब क्लासिफिकेशन की बात कही जा रही है और वीकेस्ट सेक्शन को जो है ऊपर लाने की बात कही जा रही है और इसके बारे में जो है यहाँ पूरे आर्टिकल में डिस्कस किया गया। द नेक्स्ट आर्टिकल इज़ द डेवलपमेंट दैट विल हार्डली पुट इंडिया एट ईज द वर्ल्ड्स बैंक्स डिसीजन टू होल्ड इट्स एनुअल डूइंग बिजनेस रिपोर्ट ऑन डेटा ऑथेंटिकली इशूज हैज़ मेजर इम्प्लीकेशंस। ओके, ये जो आर्टिकल है ये आर्टिकल बहुत इंटरेस्टिंग है। थर्सडे को जो है द वर्ल्ड बैंक होल्डेड इट्स एनुअल पब्लिकेशन दैट इज़ डूइंग बिजनेस, उसे होल्ड कर दिया गया है वर्ल्ड बैंक के द्वारा। और एज इट डिटेक्टेड इरेगुलरिटीज़ ऑफ डेटा, और कुछ कंट्रीज़ जो है वहाँ पे इस डेटा के तहत इरेगुलरिटीज़ देखने को मिली है, इसी के चलते इसे होल्ड कर लिया गया है। वर्ल्ड बैंक प्रेस रिलीज़ ऑन 27th of August, उसमें ये बात कही गई है कि द इंटीग्रेशन एंड इम्पार्शलिटी ऑफ आर डेटा एनालिसिस इज़ पैरामाउंट, सो वी आर इमीडिएटली टेकिंग दी फॉलोइंग एक्शंस। ओके, वी आर कंडक्टिंग द सिस्टमैटिक रिव्यू एंड असेसमेंट ऑफ डेटा चेंजेस दैट अकर्ड सब्सिक्वेंट टू द इंस्टीट्यूशनल डेटा रिव्यूड प्रोसेस फॉर द लास्ट 5 डूइंग बिजनेस रिपोर्ट्स। वी हैव आस्क्ड द वर्ल्ड बैंक ग्रुप्स इंडिपेंडेंट इंटरनल ऑडिट फंक्शन टू परफॉर्म एन ऑडिट ऑफ द प्रोसेसेस फॉर डेटा कलेक्शन एंड रिव्यूइंग फॉर डूइंग बिजनेस एंड कंट्रोल टू सेफगार्ड डेटा इंटेग्रिटी। सो हियर ऑल अबाउट इट कि इस पर्टिकुलर आर्टिकल में जो दिया गया है वो बेसिकली वर्ल्ड बैंक से रिलेटेड डेटा है। वर्ल्ड बैंक ने रिसेंटली जो है वो डूइंग बिजनेस का जो डेटा है उसकी जो रिपोर्ट है उसे रोक लिया गया है, क्योंकि उनको कुछ जो है हम कह सकते हैं कि सिंसियरिटी नज़र नहीं आई, या फिर जो हम कह सकते हैं कि इम्पार्शलिटी या इम्पार्शलिटी और इंटीग्रिटी के बेसिस पर ये डेटा रिलीज किया जाता है और उन्हें कुछ जा रहा था, और उसी के तहत जो है इसे स्टॉप कर लिया गया है कि जिस तरह की सिचुएशंस हैं और जिस तरह के इसके अंदर जो त्रुटियां नज़र आ रही है उसका रीज़न है उन पर्टिकुलर कुछ कंट्रीज़ के अंदर जो है इस डेटा का रेगुलर ना हो पाना और रेगुलर और फेयर रिपोर्ट्स ना जनरेट कर पाना। सो इट इज़ ऑल अबाउट इट, यू शुड गो फॉर इट। और आपको पता होना चाहिए डूइंग बिजनेस रिपोर्ट कौन जारी करता है, वर्ल्ड बैंक जारी करता है, लेकिन क्यों करता है, कैसे करता है, ये सारी चीज़ें आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि डूइंग बिजनेस का जो डेटा है वो कौन जारी करता है, क्यों करता है, और उसका इसके पीछे रीजंस क्या होते हैं। ठीक है, और ये सारी चीज़ें हमने आज डिस्कस की हैं, जितने भी आर्टिकल्स हमने डिस्कस किए हैं यू शुड गो फॉर इट, आपको पढ़ने चाहिए सारे आर्टिकल्स। मैंने आपको एक ओवरव्यू दिया है इन सारे आर्टिकल्स का, मैंने आपको बताया है कि कैसे ये सारे आर्टिकल्स वर्क कर रहे हैं, क्या क्या है इन आर्टिकल्स में। तो इन बेसिस पर अगर आप इन आर्टिकल्स को एक बार पढ़ेंगे तो आपको इजीली सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ और आपको कैसे आंसर्स नोट डाउन करने हैं। ओके, सो यू शुड गो फॉर इट, ईच एंड एवरी आर्टिकल को आपको पढ़ना चाहिए। और मैं कोशिश करूँगी जल्दी ही कल से हम लोग रेगुलर बेसिस पे जो है इस तरीके से न्यूज़ एनालिसिस लेंगे कि आपको न्यूज़पेपर पढ़ने की भी ज़रूरत ना पड़े और हम इस एक वीडियो के अंदर आपका पूरा न्यूज़पेपर अच्छे से कवर कर लें जो जो इम्पोर्टेंट है। ठीक है, उसके अलावा मैंने आज भी जितने इम्पोर्टेंट हो सकते वो सारे आर्टिकल्स लिए हैं और उन्हें यहाँ डिस्कस किया है। लास्ट आर्टिकल आपको ज़रूर पढ़ना चाहिए, डेवलपमेंट दैट विल हार्डली पुट इंडिया एट ईज। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट टाइम अहेड, सी यू टुमारो।